नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है आपने सभी त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए होंगे। तो सबसे पहले शुभ धनतेरस, शुभ छोटी दीपावली, शुभ बड़ी दीपावली, शुभ गोवर्धन पूजा एंड भाई दोज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी त्यौहारों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं धनतेरस पर किचन का सामान लेकर आई थी। ओब्वियसली लाती हैं, सभी लाते हैं जो कि सनातन धर्म को मानने वाले होते हैं, वे धनतेरस के दिन किचन का सामान लाते हैं। कोई भी मेटल की चीज़ खरीदते हैं, सोना चांदी जो भी जितना मतलब अफोर्ड कर सकता है वो उस हिसाब से खरीदता है। तो मैं अब की बार सिर्फ किचन का ही सामान लेकर आई थी। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किचन का क्या क्या सामान लेकर आई थी। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये फ्राई पैन। मैं पहले आपको बता दूं, ये फ्राई पैन मतलब जो मैंने शो किया है, ये मैंने इंडस्ट्रियल अशोक प्यार का इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहाँ से किया है। वहाँ पर काफ़ी अच्छे मतलब सही रेट में किचन का सामान मिल जाता है। तो ये मैंने अशोक विहार के इंडस्ट्रियल एरिया से ख़रीदी है। तो ये फ्राई पैन है, आप देख ही रहोगे इसका वेट भी काफ़ी हैवी लग रहा है। ये हैवी हैवी है और इसके अंदर, क्योंकि मैं मोस्टली सूखी सब्जी बनाती हूँ, मतलब ग्रेवी की नहीं बनाती हूँ, तो उसमें ये मतलब नीचे लगेगी भी नहीं, क्योंकि हैवी यदि होती है ना बेस तो उसमें सब्जियाँ जलती नहीं और अच्छी तरह से बन जाती हैं। ये स्टील का देखो इसका हैंडल है और इसमें पेच भी नहीं है, मतलब स्क्रू नहीं है, रिजिट लगी हुई है तो निकलने का कोई इसमें खतरा भी नहीं है। तो ये निकल जाते हैं ना स्क्रू, थोड़े लूज़ हो जाते हैं या कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से निकल जाते हैं तो पूरा इस तरह से फिर ख़राब हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता और मिलते भी नहीं है फिर। ये हमारे यहाँ तो नहीं मिलते हैं और मुझे पता नहीं स्टील का इसका हैंडल है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन शॉपकीपर ये बता रहा था कि गर्म नहीं होगा। अभी मुझे पता नहीं गर्म होगा या नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया, अभी ये सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है। वीडियो बनाने के लिए मैंने रख रखा था कि आपको बता दूं मैंने धनतेरस पर क्या क्या ख़रीदारी की है। तो ये स्टेनलेस स्टील का है, काफ़ी अच्छा है, देखिए देखने में लग रहा है। और ये है 2400 के करीब का, 2400 के करीब का। इसके आप वेट देखकर मुझे मतलब इसके रुपए, इसका वेट देखिए उस हिसाब से पैसे ठीक ही हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी है ये और काफ़ी चल जाएगा। देखिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सेकंड आइटम मैं आपको दिखाती हूँ। तो सेकंड आइटम मैंने जो परचेज़ किया है वो है ये कढ़ाई विद लिड और स्टील की है ये, मतलब गैस पर भी यूज़ हो सकती है और इंडक्शन चूल्हे पर भी यूज हो सकती है। 4.5 लीटर की है ये और ये मेरे को पड़ी थी 2800 के करीब की, यानी कि 2800 से थोड़ी सी ऊपर, लेकिन मुझे इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि ये हैवी है। हैवी क्योंकि मैं ड्राई सब्जी बनाती हूँ तो उसके लिए मुझे कढ़ाई भी भारी चाहिए, मतलब बर्तन कोई भी हो स्टेनलेस स्टील का। वैसे मैं ये बता दूँ, मैं बाबा यही बोले जा रही हूँ, मैं बता ही रही हूँ। मैं ना तो अब नॉन स्टिक कुकवेयर खरीदती हूँ ना मैं एल्यूमिनियम और प्लास्टिक, तो मैंने इस बार पूरा ही डिस्कार्ड कर दिया है। प्लास्टिक का मेरे पास अब एक भी सामान नहीं है। इस दिवाली की सफाई और इस दीपावली की सफाई में मैंने सारा प्लास्टिक निकाल दिया घर से। और कई साल से मैं ना नॉन स्टिक खरीद रही हूँ ना एल्यूमिनियम के बर्तन खरीद। प्लास्टिक वैसे भी हमारी मदर अर्थ के लिए अच्छा नहीं है और वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं और मदर अर्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए सिर्फ मैंने अब की बार एल्यूमिनियम की ही इसलिए मैं सिर्फ अब की बार स्टेनलेस स्टील के ही बर्तन लेकर आ रही हूँ। इस साल से बस स्टेनलेस स्टील के ला रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है लिड, कढ़ाई की लिड, देखिए काफ़ी अच्छी है, हैवी है ये भी, 2700 से ऊपर का है। और मैं इसकी आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ, ये मेरी है कढ़ाई, हैवी है एकदम, काफ़ी भारी है। इसमें जैसे मैं कढ़ी वगैरह बनाती हूँ तो मुझे मतलब जो मेरी और कढ़ाई है शायद यूज़ होते होते उनका बेस हल्का हो गया होगा, तो इसका मुझे बार बार खड़े रहकर उसे चलाना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे लग जाती है। और ये थोड़ी बेस जिसका भारी हो ना तो उसमें कोई भी चीज़ को आप बिना भारी हो ना बेस यदि भारी हो किसी भी बर्तन का तो उसमें चीज़ें नहीं लगती। जैसे अब कढ़ी यदि हम बनाएंगे तो उसके लिए भारी बेस की ही
चीजें उसमें बनानी चाहिए, क्योंकि ये तो हल्के में मैं बना भी हूँ ना, तो वो मुझे खड़ा रहना पड़ता है, उसको चलाते रहना पड़ता है, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी छोड़ दो तो एकदम नीचे लग जाएगी और जल जाएगी। तो इसलिए मैं आपकी बार भारी कढ़ाई लेकर आई हूँ, और इसे मुझे बाबा वहीं पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा कढ़ी बनाने के लिए। मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, सच्ची बताऊँ, हमारे घर में सभी को पसंद है। तो ये अरब शॉपकीपर कह रहा था ये मतलब गर्म नहीं होंगे, मुझे नहीं पता गर्म होंगे या नहीं, और इसके स्क्रू भी नहीं है, इसमें रिजिड है, तो निकलने का भी कोई चक्कर नहीं है। वैसे अब कई साल से इसी तरह के आ रहे हैं जिसमें नहीं निकलते हैं। तो ये काफ़ी हैवी कढ़ाई है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, होप इसमें ना लगे मेरी कढ़ी वगैरह जो मैं बनाती हूँ, ड्राई सब्जी वगैरह। चलो तो तीसरा आइटम दिखा देती हूँ मैं, तीसरा आइटम लेकर आई हूँ मैं, तेल रखने का, ऑयल रखने का। ये एक मैं ये ऐसा लास्ट ईयर लाई थी, और एक ये मैं इस साल लेकर आई हूँ। पहले भी थे, पहले दूसरे टाइप के थे, वे लिड वाले होते हैं, अंदर वो बीक बनी रहती है प्लास्टिक की, इस तरह के उसकी बीक बनी रहती है, ऊपर लिड होती है, दो के हैं। लेकिन मैं आपके बार ये लाई हूँ, दो का ये सेट हो गया है, पिछली बार लिया थी एक, आपके बार ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसमें क्योंकि मेरा हाथ चला जाता है तो सफाई भी हो जाती है, मैं हाथ ही अंदर जाता तो इसलिए मुझे दिक्कत होती थी, तो मैं इसलिए आपके बार ऐसा लाई हूँ। देखो इसके अंदर ये ऐसा है, और इसके अंदर मेरा हाथ भी चला जाएगा, सफाई भी हो जाएगी, चिकने भी नहीं रहेंगे इसलिए। और ये इस पर लगा दो, और यहाँ से एक मैं सरसों का तेल कर लिया है, क्योंकि सरसों के तेल में बनती है, और एक रिफाइंड कर लिया है, अब क्या रिफाइंड कर लिया है इस तरह से, है ना। अच्छा मुझे काफ़ी अच्छे लगा ये पेयर हो गया मेरे पास। चलो तो मैं अब नेक्स्ट बता देती हूँ, और एक ये मैं छलनी लेकर आई हूँ, चाय की बहुत ज़्यादा मेरी वो हो जाती है खराब, बताओ मैं इसकी है ना जाली, यदि हम इसके अंदर चाय पत्ती छोड़ देते हैं ना तो इसकी जाली लॉक हो जाती है ये इस तरह से, फिर भी झाड़ती, फिर भी नहीं पूरी झड़ पाती, जल्दबाजी में होता है। तो मैं इसको चूल्हे पर रख कर इस तरह से कर देती हूँ तो जल जाती है, तो उसके साथ साथ फिर ये भी किनारी होती है ना, ये भी जल जाती है, तो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए इस बार मुझे छलनी भी लानी पड़ी है। अकलबंदी दिखाती रहती हूँ मैं अपनी। और नेक्स्ट है मेरा पीलिंग नाइफ, स्टील का लेकर आई हूँ, और चीज़ का मेरे हाथ में टिकता ही नहीं है, क्या करूँ, कई ला चुकी हूँ, वे पत्नी कौन से उसमें रहते हैं, वे मेरे हाथ में नहीं टिकते, तो अबकी बार मैं स्टील का लेकर आई हूँ, होप ये अच्छी तरह से चल जाए। पीलिंग है ये, मैं उल्टा दिखा रही हूँ, पीलिंग नाइफ, वो पीलिंग नाइफ है ये। और एक मैं लेकर आई हूँ ये टिफिन, प्लास्टिक का नहीं है, स्टील का नहीं है, ग्लास का टिफिन, तीन इसके अंदर कंटेनर हैं, और ग्लास का है, और एयर इसके वेंटिलेटर भी है इसके अंदर। चलो मैं इसको खोलकर दिखा देती हूँ ये किस तरह का है। ये है 12,1225 का, तो मेरे को ये 1,000 रुपये के करीब का पड़ गया था ये मेरे को। इस तरह का है, ये वन, ये टू, और ये थ्री, तीन है इसके अंदर कंटेनर, ग्लास के कंटेनर हैं ये। ये देखिए ये इसके अंदर ग्लास के ये कंटेनर हैं, और काफ़ी अच्छा इसका मेरे को ये लग रहा है स्टफ। और ये इसका लिड है, और लिड में ये मैं ये दिखा देती हूँ, इसके अंदर एयर के वेंटिलेटर के लिए भी ये है लिड के अंदर, देखिए एयर के। और ये इसके अंदर सफाई की कोई दिक्कत नहीं, ये निकल जाते बड़े आराम से ये जो है, और सफाई भी हो जाती है, कोई मतलब खाना इसके अंदर चिपकेगा तो सफाई नहीं होगी तो गंदा हो जाएगा ना, लेकिन ये एकदम सही है, देखो ये निकल के साफ हो जाता है, और लॉक सिस्टम है तो स्पॉइलिंग का कोई इसके अंदर चक्कर नहीं है। देखिए देखिए इस तरह से ये हो जाता। तो ये थी मेरी धनतेरस की शॉपिंग। इसके अलावा मैं बेड शीट भी लेकर आई हूँ, बेड शीट भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं लेकर आई हूँ तीन डबल बेड की बेड शीट, और एक सिंगल बेड की बेड शीट। तो आइए अब मैं आपको बेड शीट दिखा देती हूँ। ये बेड शीट मैंने अशोक विहार की दीप मार्केट से ली है,
थाउजेंड रुपीज की दो मिल गई थी मेरे को, और एक मेरे को 1600 की मिल गई थी, और जो सिंगल है वो मेरे को 600 के करीब की पड़ गई थी। तो चलो मैं आपको अब अपनी बेडशीट दिखा देती हूँ। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों ये कंपनी है उसकी बेडशीट की, ये इसकी पैकिंग है बेडशीट की, और एक ये बेडशीट है, दो बेडशीट हैं डबल बेड की, और ये कंपनी है और इनकी पैकिंग दिखाई गई है यहाँ पर। और एक ये है बेडशीट, ये 1000 1000 रुपीज़ की हैं, और ये जो है ये 1600 रुपीज़ की है ये बेडशीट, और ये इसकी पैकिंग है, अभी मैंने खोली नहीं है इसको। पिलो कवर भी सेम ही है जैसे बेडशीट के हैं। तो ये है इस सिंगल बेड की बेडशीट, पिलो कवर और इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और ये शॉप है जहाँ से मैंने परचेज़ किया है ये बेडशीट। ये डबल बेड की बेडशीट है, 1000 रुपीज़ की पड़ी थी मेरे को। ये कंपनी है, देखिए साइडों में कितनी लटक रही है, लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है, कॉटन की है ये। कॉटन की आप यदि बेडशीट ख़रीदते हैं तो सर्दी गर्मी दोनों में आपको यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते। और ये देखिए सिंगल बेड की कॉटन की बेडशीट है ये, देखिए ये सिंगल बेड की है ये, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन। और ये डबल बेड की बेडशीट है, मोबाइल में कलर इतना अच्छा नहीं आ पाता लेकिन ओरिजिनल में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये कलर बहुत ही अच्छी लग रही है। साइडों में कितनी लटक रही है, लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है इस बेडशीट की, 1000 की है ये वाले भी। और ये कलर कॉम्बिनेशन देखिए, पिलो कवर और बेडशीट का कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है ये देखिए। गैस मैं कुर्ता दिखा देती हूँ, ये मेरी मम्मी ने भिजवाया था, मैंने दीपावली पर पहना है, बिल्कुल कॉटन का है एकदम, बहुत ही स्किन फ्रेंडली है। ये दिल्ली का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, मेरी मम्मी वहीं पर रहती है, तो यहाँ से मुझे अन स्टिच सूट भिजवा देती है, मैं सलवार कर उनको पहन लेती हूँ। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये इसका नेक है, और ये इसके अंदर छोटी 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 सी एम्ब्रॉयडरी हो रही है देखिए, और ये इसमें 3 बटन लगे हुए हैं, और स्लीव्स पर भी इस तरह से पाइपिंग लगी हुई है ये। और आप इसका देख रहे हैं कपड़ा कितना अच्छा है, कॉटन का है ये एकदम, देखिए बिल्कुल गर्मी के मतलब का है ये एकदम सूट, देखिए मुझे इसका कपड़ा बहुत अच्छा लगा। पर ये यहाँ का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, मेरी मम्मी ने भिजवाया था, वे वहीं से शॉपिंग करनी करती हैं, अनस्टिच्ड मतलब बिना सिले हुए सूट लेती हैं, और मैं उनको स्टिच करा लेती हूँ। देखिए आपको कपड़ा देख रहे होंगे कितना अच्छा लगा है, बिल्कुल कॉटन एकदम स्किन फ्रेंडली गर्मी के मतलब का, अब इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी बैक साइड है, और ये बैक पर कितना अच्छा फ्लावर्स है, देख रहे हैं। अब मैं इसकी आपको इसका लोअर दिखाती हूँ जो इसके साथ आया था। देखिए गाइस मैंने इसका प्लाजो बनवाया है ये, इसका ये भी कॉटन का है, देखिए ये इसका साथ का लोअर है, फील करिए देखिए कितना अच्छा कपड़ा है एकदम कॉटन का एकदम, देखिए पारदर्शी नहीं है ये, ट्रांसपेरेंट नहीं है। मुझे ऑफलाइन यानी कि लोकल मार्केट से जो होती है उससे ही खरीदना कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, देखिए कितना अच्छा कपड़ा है, आपको पता चल रहा होगा ये बिल्कुल एकदम कॉटन है, स्किन फ्रेंडली। ये इसका प्लाजो है, और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे में एक किनारी लगी हुई है येलो कलर की, और आप कपड़ा देख लीजिए कितना सॉफ्ट है एकदम, देखिए अच्छा लग रहा है ना, शाइन है इसमें दुपट्टे में। तो कैसा लगा आपको मेरा ये सूट, मुझे कॉटन के ज़्यादा पसंद है।
गाइज ये सूट मैंने धनतेरस पर पहना था, मेरी मम्मी ने भिजवाया है ये भी, और कॉटन का है। देखिए कितना अच्छा कॉटन है, इसका कलर कॉम्बिनेशन और प्रिंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कॉटन के सूट है ना स्किन फ्रेंडली होते हैं और बहुत अच्छा कॉटन है ये, वैसा भी नहीं है, आप छू कर ही पता कर सकते हैं कितना अच्छा कॉटन है ये। गाइज एक ये सूट है कॉटन का है एकदम, ये इसका नेक है, इस पे लगी हुई है पट्टी, इसी तरह की किस्म सलवार है लेकिन वो वेलवेट की नहीं है, जैसे वेलवेट का है ना ये पट्टी, ये वेलवेट की सलवार नहीं है, प्लेन सलवार है। और इसकी स्लीव्स पर देखिए ये इस तरह का डिज़ाइन है, कॉटन का ये फैब्रिक देखिए आप इसकी, जिस तरह का लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है ऐसा गर्म है लेकिन गर्म नहीं है, कॉटन है ये देखिए। और यहाँ पर इस पर ये सीक्वेंस का इस पर ये लगे हुए हैं, इस पर पेस्ट हुए हुए हैं, वैसे धुलने पर ही निकल जाते हैं, ये मशीन में धो ना तो उस पर निकल जाते हैं। ये देखिए नीचे सब पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पीस है ये कॉटन का एकदम, फैब्रिक देखिए पास से एकदम इसकी, देखिए बिल्कुल गर्मियों के मतलब का है। सलवार इसके प्लेन ब्राउन है और इस तरह से पीछे भी है इस पर, मैं पीछे का भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये इसका पीछे का है, इस तरह से, और ये इसका आगे का है। कैसा लगा दोस्तों, एकदम कॉटन का कपड़ा है ये भी, इधर का दिल्ली का नहीं है, ये भी यूपी का है, ये देखो बहुत ही प्यारा कपड़ा है एकदम गर्मियों के मतलब का। और देखो ये इसकी दुपट्टा है, ये दुपट्टा है इसका, अच्छा खासा लंबाई मिलती है दुपट्टे की भी, ये नहीं कि छोटा सा हो, ये इसका दुपट्टा है देखो, ये देखो ये दुपट्टा है इसका, है ना अच्छा दुपट्टा। और कपड़ा देखो दुपट्टे का भी कितना प्यारा है एकदम, इतना सॉफ्ट है ना, सूट का भी और इसका भी कपड़ा है ना, मेरे को वहीं का ही पसंद है, ऑनलाइन मैं नहीं कपड़ा खरीदती हूँ। देखो और सलवार एकदम प्लेन है इस तरह के कलर की, कैसा लगा ये वाला सूट मेरा। कचौड़ी और रायता हमारे गोवर्धन के दिन बनता है, और दीपावली के दिन पूरी हलवा और सब्जी बनती है। पूरी हलवा सब्जी की पिक्चर डालना भूल गई, त्यौहार की मेरे ध्यान नहीं रहती, तो ये गोवर्धन के दिन की है। ये दीपावली के दिन का सेटअप है, मतलब मैंने अगले दिन पिक ली थी, उस दिन तो बहुत सुंदर था, मैं को उस दिन लेना ध्यान नहीं रही थी पिक्चर, चलो कोई नहीं। तो गाइज ये थी मेरी धनतेरस की शॉपिंग, आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी बेकार लगी, सामान अच्छा नहीं लगा बेकार लगा, जैसा भी आपको अंदर से फीलिंग आ रही हो वैसे आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। बाय बाय।